नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। प्रदेश सरकार के श्रम एवं सेवा योजन मंत्री अनिल राजभर आज पिरनो थाना क्षेत्र के ग्राम बीबीपुर बाजिदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पिछले 4 जुलाई को जम्मू कश्मीर के इस्माइलपुर में तैनात सीआरपीएफ के 38वीं बटालियन के 45 वर्षीय हवलदार सुरेश राजभर का जीएमसी अस्पताल में निधन हो गया था। हवलदार सुरेश राजभर के निधन की सूचना पर प्रदेश सरकार में मंत्री अनिल राजभर हवलदार सुरेश राजभर के चित्र पर पुष्प अर्पित करने के बाद उनकी मां पत्नी रीता देवी, बेटे सौरभ सहित पुत्रियों से मिलकर उनको ढाढ़स बंधाया और कहा कि इस दुख की घड़ी में हम सभी आपके साथ मर्माहत हैं। जहां पर वहां उपस्थित उप जिलाधिकारी अनिरुद्ध कुमार एवं प्रधान काशी राजभर से जवान के नाम पर उनके गांव को जाने वाले मार्ग का नामकरण ग्राम से ग्राम पंचायत पार्क तथा एवं स्मृति द्वार के निर्माण को प्रस्ताव कराकर निर्माण कराने की बात कही। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह बहुत ही गर्व की बात है, एक तरफ गम भी है तो एक तरफ खुशी भी है। गम की बातें ये हैं कि गाजीपुर की एक और लाल ने अपनी शहादत देश के लिए की है। घर के परिवार में ही सुरेश जी की विधवा है, उनके बच्चे हैं, उनके ऊपर जो दुख आया है, परिवार पर जो परेशानी आई है, जो कमी आई है, उस बात को लेकर हम सब लोग दुखी हैं। इसके साथ गौरवान्वित हैं कि गाजीपुर शहीदी धरती है, देश की सेवा करते अपने अपने आप को कुर्बान कर देने की है। उस विशाल और महान परंपरा को दोहराते हुए सुरेश राजभर ने देश की सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान किया है, अपनी शहादत की है। हम सब लोग उनकी शहादत को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने गए हैं, हम लोग आए हैं। इस दौरान मंत्री अनिल राजभर घोषणा करते हुए कहा कि गांव की जो मुख्य सड़क शहीद सुरेश राजभर जी के नाम से बनवाई गई थी, जहां पे शहीद की याद में एक भव्य स्वागत के द्वार भी सरकार बनाई गई थी। साथ ही अभी जिलाधिकारी से सम्मानित प्रधान के साथ गांव के सम्मानित सदस्य उन लोगों से हमारी जमीन के लिए बात हुई है। गाँव में जमीन मिलने के बाद शहीद सुरेश राजभर की एक विशेष पार्क की स्थापना सरकार के द्वारा कराई गई है। आने वाली हमारी पीढ़ी देश की सेवा में अपने आप को समर्पित करने में सुरेश राजभर को याद कर सकते। ये बहुत ही गर्व की बात है, एक तरफ गम भी है तो एक तरफ खुशी भी है। गम इस बात का है कि गाजीपुर के एक और लाल ने अपनी शहादत देश के लिए किया है। घर है, परिवार है, सुरेश जी की विधवा हैं, उनके बच्चे हैं, उनके ऊपर जो दुख आया है, परिवार पर जो परेशानी आई है, जो कमी हुई है, उस बात को लेकर हम सब लोग दुखी हैं, मर्माहत हैं। गर्व इस बात का है कि गाजीपुर की शहीदी माटी की जो परंपरा रही है, देश की सेवा करते करते अपने आप को कुर्बान कर देने की, उस विशाल और महान परंपरा को दोहराते हुए सुरेश राजभर जी ने, सुरेश भारद्वाज जी ने देश की सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान किया है, अपनी शहादत दी है। हम सब लोग उनकी शहादत को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जिस सड़क से हम लोग आए हैं, ये सड़क शहीद सुरेश राजभर जी के नाम से इसको बनवाया जाएगा। शहीद की याद में एक भव्य स्वागत द्वार भी सरकार बनाएगी। साथ ही साथ अभी यहाँ के उप जिलाधिकारी महोदय से, यहाँ के सम्मानित प्रधान जी से, यहाँ के गांव के सम्मानित सभी मेंबर जो सदस्य हैं, उन लोगों से हमारी बात हुई है। गांव में जमीन है, उस जमीन को शहीद सुरेश राजभर जी के नाम से पार्क बन सके, इस बात के लिए आरक्षित कराकर और एक विशाल पार्क की भी स्थापना सरकार कराएगी, ताकि आने वाली हमारी जो पीढ़ियां हैं वो उससे प्रेरणा लें, समाज और देश की सेवा में अपने आप को समर्पित करते रहें, गाजीपुर की परंपरा को, पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश की परंपरा को आगे बढ़ाते रहें। मैं एक बार फिर शहीद सुरेश राजभर जी, सुरेश भारद्वाज जी की शहादत को नमन करता हूं और सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वक्त हो गया एक छोटे से।
ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।